नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो वहीं इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम सभी आप सभी लिए लेके आ गए हैं आज के लिए एक लेटेस्ट न्यू जॉब वैकेंसीज, जो कि वेरियस पोस्ट पर आपकी देखने को मिलेगी। चाहे स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो हमारा जो चैनल है स्पेसिफिकली स्टेनोग्राफर के लिए बेस्ट वैकेंसीज के अपडेट्स कवर करते रहते हैं। तो स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स जो हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जितने भी तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की लाइक करना वीडियो को जरूर बोलें। बात करते हैं वैकेंसीज़ निकल के आए हैं, जो कि टैरिफ अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग की रिक्रूटमेंट निकल के आए हैं, जिसमें वेरियस पोस्ट पर हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। नॉन टीचिंग पोस्ट पर क्या क्या पोस्ट रखी गई हैं और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो ये वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हो। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वैकेंसी सेक्शन में जाके सबसे नीचे आपको इस तरीके से ये दिखेगा। यही आपकी ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से आपकी जो फाइल ओपन होके आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो वैकेंसी सर्कुलर में कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूड है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर की एक पोस्ट है, जिसमें आपकी लेवल 11 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। डेप्यूटेशन बेसिस पे आपकी रखी गई है। आपकी असिस्टेंट की एक पोस्ट रखी गई है, जिसमें आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं आपकी कैशियर की पोस्ट रखी गई है, इसमें आपकी एक पोस्ट है और लेवल 7 CPC के अनुसार लेवल 6 की सैलरी आपको इसमें दी गई है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेशन इसमें दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। सोनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें तो आपको इसमें लेवल 6 की सैलरी देखने को मिलेगी। आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेशन दे सकते हो। बैचलर डिग्री प्लस आपके पास जो भी है शॉर्ट एंड्स की स्पीड वगैरह 100 to 120 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। वहीं टाइपिंग की बात करें तो 40 वर्ड पर मिनट। डेप्यूटेशन बेसिस पर रिक्रूटमेंट है, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएट्स होने चाहिए। साथ ही में आप जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कहीं भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपने 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। आपके पास इंटरेस्टेड होने चाहिए मतलब, और साथ ही में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है आपको, कहीं भी आपने जॉब वगैरह कर रखी हो। वहीं बात करते हैं एज लिमिट की, मैक्सिमम एज लिमिट इसमें जो रखी गई है 56 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है इस नोटिफिकेशंस की, और रेपुटेशन बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट है। वही बात करते हैं कब से कब तक इसके फॉर्म फिलअप जारी है और कब तक आप आवेदन इसमें आप दे सकते हो। तो वहीं बात करते हैं 15 जून से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 30 दिन का आपको समय मिला गया है इस रिक्रूटमेंट के आवेदन देने के लिए। तो आप ऑलमोस्ट 15 या 14 जून तक इसके लिए एप्लीकेशन, 14 जुलाई तक इसके एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो 14 जुलाई इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, 15 जून से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की पीडीएफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिक सा फॉर्म है, इसको फिलअप करके जो भी नेसेसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है इसको फिलअप करके आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके विद इन आप गिवन एड्रेस पर आपको सेंड कर देना होगा विद बिफोर लास्ट डेट से पहले। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हो। बाकी इसमें नोटिफिकेशन में एवरीथिंग आपको इसमें दी गई है, जिससे कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। वहाँ पर आपके सारी कन्फ्यूजन एंड डाउट्स जो भी है क्लियर हो जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, और भी अच्छी वैकेंसीज के अपडेट्स स्टेनोग्राफर रिलेटेड या फिर और अदर पोस्ट रिलेटेड वैकेंसीज के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।